हेलो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई दुकान खोलना चाह रहा है तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा टूल्स कितने प्राइस में मिलेगा। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी इलेक्ट्रिक की दुकान खोलना चाहते हैं तो कितने कम से कम पैसे में कैसे आप खोल सकते हैं, क्या क्या सामान आपको ख़रीदना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कोई आपका अगर सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा सबसे पहले उठाते हैं प्लास, प्लास से शुरू करते हैं। ये हमारा टपारिया का प्लास है, देख सकते हैं आप। इसको अगर आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको 250 रुपये में पड़ जाएगा, कुछ 10-20 रुपये इधर उधर हो सकता है, कम ज़्यादा फिक्स नहीं बता रहा हूँ। और आप अगर पाई का लेंगे तो इससे भी सस्ता आपको पड़ जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप ये लें, ये ज़्यादा बेहतर है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये बेहतर है। दूसरा, ये आपको एक टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ये 50 रुपये का आपको मिल जाएगा टेस्टर, ये भी आप ले सकते हैं। तीसरे आते हैं ये पेचकस है, ये दोनों साइड से पेचकस लग जाता है, ये इस तरह से। ये पाई का है पेचकस, ये दो साइड से और दो साइड में रहता है, ये एक स्टार वाला फिर एक सादा होता है, ये ले सकते हैं आप, ये आपको मिल जाएगा 65-70 रुपये का मिल जाएगा, 65-70 रुपये का मिल जाएगा ये, या उससे भी शायद कुछ कम मिल जाए। ये एक है टपारिया का, ये काफ़ी बड़ा पेचकस है, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये आपको 85 रुपये का मिलेगा, 85-90 रुपये तक मिल जाएगा ये वाला आपको। ये आपको बड़ा लंबा पेच कैसे काम आएगा आपके। और ये कटर है, ये भी ज़रूरी है टूल्स में से। अगर आपको वाइंडिंग काटनी है या कोई और चीज़ तार छीलना है तो उसमें काफ़ी काम आता है, ये भी आपको 40-45 रुपये का पड़ जाएगा, तो इसे आप खरीद सकते हैं। और एक ये है रेती हमारे पास, ये हमें 35 रुपये की पड़ी है। आपकी जगह आप जहाँ रहते हैं वहाँ अलग अलग लोकेशन के हिसाब से होता है, कुछ 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। रेती का काम बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर हम कोई फैन वगैरह निकाल रहे हैं या कहीं कुछ हमसे चोट लग जाती है तो उसमें बरबरी दाँतें से आ जाते हैं, तो उससे घिसने के लिए ये हमारे काम आती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक रेती भी ले लें। और अगर आप फैन वाइंडिंग करते हैं सीलिंग फैन, तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम बैरिंग निकालते हैं नीचे की, जो फैन हमारा होता है सीलिंग फैन उसके नीचे की बैरिंग ये निकालने में काम आता है, क्योंकि नीचे की बैरिंग निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए। ये वाला जो हमारे पास कूलर है इसकी सहायता से आप बैरिंग निकाल सकते हैं नीचे वाले ढक्कन की, सीलिंग फैन की। दूसरा कूलर हमारे पास ये वाला है, इस कूलर से आप कोई भी वायरिंग निकाल सकते हैं, तो ये साइज़ में छोटा है, अगर आप इसे बड़ा लेंगे, ये 3 इंच का है, आप इंच के हिसाब से मिलता है, 65 रुपये इंच के हिसाब से मिलता है हमारे यहाँ लोकेशन के हिसाब से, आपके यहाँ हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, ये 65 रुपये इंच के हिसाब से मिला, आप जितना भी बड़ा लेना चाहें तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और ये हमें 150 रुपये का पड़ा है। चलिए आगे आते हैं, ये हमारे पास टपारिया का किट है, ये पूरी इसमें कई तरह की पेचकस, ये देखिए दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, ये इसमें टेस्टर भी होता है और पेचकस भी होता है, तो ये दोनों तरीके से काम आएगा। इसमें कई तरह के देखिए दिए होते हैं, ये छोटा स्टार दिया होता है, ये बड़ा वाला स्टार दिया होता है, और ये देखिए ये पतला वाला पेचकस होता है और ये चौड़ा वाला पेचकस होता है, और एक और हमें दिया होता है ये नोक वाला, ये इस तरह से जो हमें
छेद करने में या कोई चीज़ रख करके ठोकने में काम आता है, या अगर आपको रिबन निकालने तो उसमें भी काम आता है। इसको रख करके आप इसको शॉट लगाएं तो रिबन निकल जाएंगे। ये दो तरीके के आते हैं, एक ये जो मैंने आपको दिखाया है सादा, ये आपको 160 रुपये तक मिल जाएगा, 150 तक मिल जाएगा। और अगर आप दूसरा वाला ख़रीदते हैं तो उसमें यहाँ पर चूड़ी कसने के लिए आता है, बस उसमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है। इसमें यहाँ पर लगा होता है वो नट ऐसा, उसको उसमें लगा करके आप चूड़ी कर सकते हैं, बस इतना फ़र्क होता है। वो आपको 250 रुपये तक मिलेगा। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ख़रीदना चाहें, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो आप ये ख़रीदें, अगर आपको वो बेहतर लगता है तो वो ख़रीदें। ये आपको लगभग 90-80 रुपये सस्ता पड़ेगा उससे। चलिए शुरू कर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। ये हमारे पास कुछ चाबी हैं, आप चाबी की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आप जाएंगे। ये देखिए ये 8-9 की चाबी है, ये 10-11 की चाबी है, ये 12-13 की है, और ये 14-15 की है। एक ये 14-15 का पाना भी ले रखा हमने बस। अरे चाहे तो आप 16-17 की भी ले सकते हैं, इतने काफ़ी होंगे मेरे हिसाब से, इतने टोल्स काफ़ी होंगे। और चाबी के बाद ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, ये अगर आप मार्केट से खरीदेंगे तो ये लोकल में अगर लेंगे तो ये आपको 150 रुपये तक मिल जाएगा, 140, 150 या 160 भी हो सकता है। तो ये आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। इसमें आपको ये DC चेक करने के लिए रेंज मिल जाती है, ये AC चेक करने के लिए रेंज मिल जाती है, ये हमारा रेजिस्टेंस वाला का चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, कई तरह से हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। खासियत ये होती है कि ये डिजिटल होता है, एक हमारा एनालॉग आता है, उसमें सुई होती है, सुई वाला होता है, तो उसमें क्लियर रेशियो नहीं पता लग पाता, इसमें हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पता लग जाता है। और एक हमारे पास ये है क्लंप मीटर, ये थोड़ा इससे बेहतर होता है, इसमें थोड़े ज़्यादा फंक्शन होते हैं उससे, इसमें आप ये सब एम्पियर भी इसमें प्लस एम्पियर पॉइंट एक पॉइंट जो है इसमें ज़्यादा होता है, एम्पियर इसमें आपको ज़्यादा मिल जाता है, ये ज़्यादा एम्पियर वोल्टेज AC DC कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस इनके साथ साथ आप एम्पियर भी इसमें चेक कर सकते हैं, ये भी डिजिटल होता है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। यूनिटी का है हमारे पास, ये होल्ड वाला बटन है, इससे आप कोई एम्पियर नापने के बाद होल्ड भी करके देख सकते हैं उसे। तो ये अगर आप लेंगे तो ये आपको 300-350 तक पड़ेगा ये वाला, जबकि ये वाला आपको 150 रुपये तक ही पड़ेगा। तो आपका जैसा बजट हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यही वाला क्लंप मीटर लें क्योंकि इससे आप एक एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का मोटर आपने भरी है या कोई चीज़ भरी है उसको चला कर चेक करना है तो आप इससे एम्पियर इसका चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे काफ़ी काम आता है। ये देखिए, और एक ही हमारे पास ये डिजिटल टेस्टर है टपारिया का, जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, इसमें आपको रीडिंग शो कर देता है, फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बटन को प्रेस करेंगे आपको चल जाएगा। इसके हमारे सेल ख़त्म हो चुके हैं शायद, इसीलिए भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी काम का है, इसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस आपको 110 से 120 ऐसे कुछ मिल जाएगा, मैक्सिमम 150 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये अगर आप मोटर वाइंडिंग करें तो कैंची की तो ज़रूरत पड़ेगी ही आपको, बिना कैंची के मोटर वाइंडिंग तो पेपर काटने में बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए कैंची की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप ये ले सकते हैं, ये 20 रुपये की कैंची मिल जाएगी आपको। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स, जिनकी सहायता से आप अगर छोटी मोटी दुकान खोलना सकते हैं तो इतने कम से कम पैसे में ख़रीद सकते हैं और अपने शुरुआत कर सकते हैं काम की। उसके बाद आपके जैसे जैसे ग्रोथ होता रहेगा आप और भी औजार बढ़ा सकते हैं, उसमें जो भी टूल्स की ज़रूरत हो आप उसमें बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने उन दोस्तों से जो नए दुकान खोलने के बारे में सोच रहे हैं और उनका बजट कम है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।